कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनधीर सिंह मान का फरीदाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। मनधीर मान गांव-गांव जाकर महेंद्र प्रताप के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में पलवल के घोड़ी गांव में जनसंपर्क कार्यक्रम में पहुंचे मनधीर मान का पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। मनधीर सिंह मान ने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह के लिए वोटों की अपील की। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश का संविधान खतरे में है, बीजेपी ने जवान, किसान और हमारे बच्चों का हक छीना है। आज आप लोगों के बीच में वोट मांगने आया हूं सरदारों, और वोट के जो हमारे भाव हैं वो देश हित के भाव है सरदारों। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। आज मोदी ने सरदारों हर डिपार्टमेंट में अपने ऐसे आदमी ठीक कर दिए। अगर अब की बार इनका बदला गया सरदारों तो देश को लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज आप लोगों के बीच में वोट मांगने आया हूं सरदारों, और वोट के जो हमारे भाव हैं वो देश हित के भाव है सरदारों। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। आज मोदी ने सरदारों हर डिपार्टमेंट में अपने ऐसे आदमी ठीक कर दिए। अगर अब की बार इनका बदला गया सरदारों तो देश को लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हमारे बड़े बूढ़े पहले ही कहा करते थे सरदारों ये जनसंघ पार्टी है, इसको कभी वोट मत देना। सर छोटूराम भी हमेशा कहते आए, सभी ने समझाया, क्योंकि ये कभी किसान की नहीं हो सकती, कभी आम आदमी की नहीं हो सकती, कभी किसी गरीब की नहीं हो सकती सरदारों। लेकिन हम इसके बहकाए में आ गए, इन्होंने इतने बड़े बड़े झूठ बोले, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए देने का लालच किया, 2 करोड़ जवानों को नौकरी देने के लिए बोला, लेकिन ना तो सरदारों के खाते में पैसा आए, अन्ना जवानों ने नौकरी मिली, आधे से ज्यादा देश को इन्होंने बेच दिया। जो हमारी कांग्रेस ने आजादी के बाद देश को खड़ा किया था बहुत ऊंचाइयों पे लेके गई थी सरदारों, आज आधे से ज्यादा को प्राइवेट कर चुके हैं, इन्होंने हमारे बच्चों का हक छीना है सरदारों। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बहुत भ्रष्टाचारी सरकार है, इसने हमेशा हमारे ऊपर अत्याचार किया है। हमारा कांग्रेस पार्टी का पहले नारा होता था सरदारों जय जवान और जय किसान। आज इन्होंने क्या हालत जवान की हुई है, क्या किसान की हुई है, ये आप सभी को बताया सरदारों। मैंने में भी कई गांव के लोग वहां पर बैठे हैं सरदारों, धंधा में सिर्फ एक छोटे से कट की मांग लेके, जबकि खुद इनके सीएम कह के गए कि वहां कट दियो जाएगा सरदारों, लेकिन इस सरकार ने कभी किसान की सुनी ना, जवान की सुनी ना सरदारों। इस अत्याचारी सरकार ने जो आज हमारे किसानों को दिल्ली में जाने से रोका है सरदारों, दिल्ली में हर किसी का हक है, दिल्ली देश है हिंदुस्तान का, दिल्ली वो राज्य है जो पांडवों ने बसाया था इंद्र का सरदारों, आज हम किसानों को वहां जाने से रोका गया है। तो मैं यही कहूंगा आप सोचो समझो और अपनी ताकत